नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। समाचार सार कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 8 अक्टूबर है, दिन मंगलवार, और हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आइए देखते हैं आज के समाचार पत्रों ने किस खबर को प्रमुख रूप से प्रकाशित किया है। सबसे पहले अंग्रेजी समाचार पत्रों की बात करेंगे तो हिंदुस्तान टाइम्स ने हरियाणा के चुनाव परिणामों का आज जो दिन है उसको लेकर अपनी पहली खबर बनाया है। तो ट्रिब्यून सहित टाइम्स ऑफ इंडिया ने मालदीव के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री के जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं उसके संदर्भ में समाचार प्रकाशित किए हैं। तो हरियाणा और मालदीव दो ऐसी खबर है जो मुख्य रूप से आज प्रकाशित हुई हैं। इस द्विपक्षीय वार्ता के अंतर्गत भारत और मालदीव स्थानीय मुद्रा में कारोबार करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड और दिल्ली के चुनाव के लिए भी जमीन तैयार करने की बात दैनिक भास्कर ने कही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में राजनीतिक खेला हो गया है, इसको लेकर पंजाब केसरी ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा परिणाम के पहले भाजपा बड़ा खेला करने की तैयारी में है। 8 अक्टूबर को यानी आज विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद 5 विधायकों को मनोनीत किया जाएगा। इसको लेकर तमाम राजनीतिक आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी के छापे का भी संदर्भ आज के समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। तो तमाम समाचार प्रकाशित हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर आज होने वाले हरियाणा के चुनाव परिणामों का और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों का संदर्भ जो है आज के इस समाचार पत्रों का प्रमुख सार है। और इसी सार के साथ कल तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।